फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। यहां पर भी किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं और किसान आंदोलन के चलते बैरिकेटिंग की गई, जिसकी वजह से रोड जो है वो जाम हो गया है। गाड़ियों की चेकिंग के चलते लंबा जाम दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर इस वक्त जो है लग चुका है और आम लोगों को जो इस सड़क से गुजर रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम की स्थिति इसलिए देखिए, कल जो तस्वीर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर नजर आई थी बैरिकेटिंग की वजह से, वो फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी नजर आ रही है। बैरिकेटिंग लगाई गई है और चेकिंग की जा रही है, इसी वजह से गाड़ियों की जो है लंबी कतारें लग चुकी हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन चुकी है। इस वक्त दिल्ली बॉर्डर्स पर आप जहां भी देखेंगे स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही है। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से, संजय गुप्ता है हमारे साथ फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर से। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर संजय गुप्ता के पास। संजय, अभी फिलहाल ट्रैफिक की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा लंबा जाम लग गया था। उसके बाद एसएचओ सराय जो कि बदरपुर बॉर्डर के एरिया के इंचार्ज है हरियाणा के हिस्से के, वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने बैरिकेटिंग हटवाकर जाम खुलवाने की कोशिश की। और बिल्कुल अगर अभी की बात करें तो बिल्कुल जो ट्रैफिक है यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह स्मूथ नजर आ रहा है। इसके अलावा नंदनी में बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद पूरी तरह शांत एरिया है। यहाँ पे किसानों के प्रदर्शन का या दिल्ली कूच करने का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। कल सुबह एसएचओ के मुताबिक, एसएचओ जो सराय है उनके मुताबिक यहाँ पे दो गाड़ियों ने कुल मिलाकर बैरिकेटिंग की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ था। अभी थोड़ा हम देख सकते हैं स्थिति जो है सुधरती हुई। संजय राठौर के पास चलेंगे, आप बने रहिए संजय गुप्ता हमारे साथ। संजय, अभी फिलहाल गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल नंदन, मैं बताना चाहूंगा इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पे और ये रजौकरी बॉर्डर है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पूरी बैरिकेटिंग की हुई है क्योंकि आज जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस हो या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से जो आदेश के बाद गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पे सख्ताई की गई थी वो आज देखने को नहीं मिली। वहाँ सारे बैरिकेडिंग हटा दिए गए हैं और जो ये बैरिकेड्स आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसके जवान भी दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो किसी भी हाल में, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बढ़ जाती जिस तरीके से कल दोहरी चेकिंग के बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा था, एक समय उनको लग रहा था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ मौजूद हैं। जिस तरीके से कल गुड़गांव पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी लेकिन आज वो नहीं है, तो इसी के कारण हल्का से मैं ये कहूंगा कि एक जाम की स्थिति उत्पन्न होनी स्टार्ट हो गई। जिस तरीके से सिर्फ दिल्ली जो नाका लगाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो जरूर हो गया है, तो लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस की जो चुनौती है उसको किस तरीके से ये कवर कर पाते हैं या नहीं। लेकिन अभी तक किसानों का कोई जत्था या फिर किसान नेता यहाँ से नहीं गुजरा है। हालांकि प्रत्येक बड़ी गाड़ी को यहाँ से चेक करने के बाद ही दिल्ली में एंटर दिया जाता है, क्योंकि कल भी यही देखा गया था जिस तरीके से किसानों ने हुंकार यहाँ भरी थी, तो उसके बाद से ही हुंकार भरने के बाद ही हरियाणा सरकार की बात करूं या फिर दिल्ली प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि किसी भी हाल में जो किसानों को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। नंदिनी बिल्कुल संजय, देखिए अभी फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं अभी तस्वीरें, संजय गुप्ता हमारे साथ, आप फरीदाबाद से स्थिति बता रहे हैं, संजय हमारे साथ गुरुग्राम बॉर्डर से मौजूद है। तो ये फरीदाबाद गुरुग्राम में ना आते हुए किसान सीधा सोनीपत से पहुंचे हैं दिल्ली, वहां पर एक बड़ा जत्था किसानों का पहुंचा है और बैरिकेटिंग की गई है। किसान कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया है। अभी फिलहाल जो तस्वीरें लाजपत हमारे साथ पहुंचा रहे थे कि किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही थी, तो कुल मिलाकर संजय गुप्ता जो आभास कर पा रहे हैं कि अभी फिलहाल फरीदाबाद और गुरुग्राम ना आते हुए किसान सीधा सोनीपत के रास्ते दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल नंदनी, मैं बता दूं कि फरीदाबाद में से एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है जो कुंडली और मानिकपुर को जोड़ता है, इसके पलवल जिले से निकल रहा है और फरीदाबाद से अटाली के रास्ते हाईवे बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं यदि किसान आए और उनको रोके, लेकिन कहीं ना कहीं सर ऐसी उनकी जो रणनीति में बदलाव की जो बात कर रहे थे किसान, हो सकता है कि वो अटाली के रास्ते और सीधे सोनीपत निकले और उस ग्रुप में शामिल हो जाएं जो समूह वहाँ पे अभी मौजूद है और दिल्ली में प्रवेश करने पे आमदा है। लेकिन अगर हम मथुरा रोड की बात करें या फरीदाबाद से दिल्ली जितने भी रास्ते जाते हैं, चाहे वो सूरजकुंड रोड की बात करें या नेहरू
नहर के साथ साथ वाले रोड की बात करें या बाईपास की बात करें, यहाँ पे पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। हालांकि अधिकारियों की जो बात है, बड़े अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग को जो सूचना मिली है वो सूचना इस तरीके की है कि यहाँ पर किसान किसी भी तरीके से फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। संजय, अगर गुरुग्राम की बात करें तो देखिए, गुरुग्राम के आसपास जो हरियाणा के तमाम इलाके हैं उनमें सीधा जो गुरुग्राम जयपुर हाईवे है, रेवाड़ी जो है पड़ता है, और रेवाड़ी के अलावा तमाम हरियाणा के और भी क्षेत्र पड़ते हैं। तो अभी फिलहाल वहां से भी कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि वहां से किसानों का कोई जत्था आ रहा हो, तो यही कहा जा सकता है कि सीधा सोनीपत के रास्ते को ही चुन रहे हैं किसान। क्षेत्र किसान बहुमूल्य माना जाता है, लेकिन उनकी उस तरफ से भी कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिल रही, सुनने को नहीं मिल रही कि वहां से कोई किसानों का जत्था जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करेगा। लेकिन तमाम एजेंसी हो या फिर सीआईडी हो या फिर अन्य पुलिस की एजेंसीज हैं, उनका सहारा लिया जा रहा है कि किसी भी हाल में यदि कोई ऐसी स्थिति या फिर ऐसा कोई संभावना होती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन जरूर मुस्तैद नजर आया था कल। लेकिन आज की बात करूं तो प्रशासन है वो अपने मोर्चे पे नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी कमान संभाली हुई है। और इस समय भी हम रजौकरी बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, और जहां आप देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुला लिया गया कि दिल्ली पुलिस चुनौती बन जाती है जिस तरीके से गुड़गांव पुलिस ने अपना बैरियर हटा लिया। तो उसके बाद मात्र एक ही बैरियर पहुंचे, उन्होंने बताया कि कैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर्स परिस्थिति इस वक्त अंडर कंट्रोल है। किसान सीधा सोनीपत से दिल्ली की तरफ जो है पहुंचे हैं, और वहां का जो बॉर्डर है वहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण इस वक्त बनी हुई है। बैरिगेटिंग के साथ, भारी पुलिस बल के साथ वहां पर किसानों को रोका गया है, और अभी फिलहाल गुरुग्राम फरीदाबाद में स्थिति अंडर कंट्रोल।